Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this time we are going to learn the class 9th maths chapter number 2, polynomials example number 4, in which our topic comes zero polynomial. Pichli video means previous video mein humne sikha tha zeros of the polynomial aur is video mein hum learn kar rahe hain zero polynomial. Ab zeros of the polynomial aur zero polynomial mein kya difference hai? आपको पता है जीरो पॉलिनॉमियल एक्चुअल में होता क्या है? जीरो पॉलिनॉमियल मीन्स ही एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें एक टर्म आ रही हो, बस उसको हमें नाम दे दिया जीरो. ठीक है, कोई भी एक टर्म आ रही है मीन्स हमें उस कह देते हैं उसको ना एक नाम दे दिया जीरो की, कुछ आंसर निकालो कि बस उसको एक नाम दे दिया जीरो पॉलिनॉमियल. यहाँ पे जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब इस जीरो से बिल्कुल नहीं है, बस एक आंसर जीरो दे दिया, मतलब ऐसा कह दिया कि ये इसका जीरो है. जो भी आंसर निकलेगा वो कह दिया कि इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरो है. इसका नाम दे दिया टर्म, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे एग्जांपल 4 ही ले ले अगर हम, दैट सेज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1. अब यहाँ पर कहा गया जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ना कि जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल. देखो क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है. पहले एग्जांपल 3 में कहा गया था जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल और एग्जांपल 4 में कहा जा रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ढूंढना है. वहाँ पे चेक करना था कि इनमें अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, और यहाँ पे पॉलिनॉमियल का जीरो ही ढूंढना है. तो उन्होंने कहा है कि ये जो पी एक्स है, पॉलिनॉमियल एक्स है, इसको आप इसके इक्वल रखो, मीन्स पी एक्स की वैल्यू ये रख दो और फिर आप इसको जीरो के इक्वल रखो. मींस हमें जीरो निकालना है, तो इस इक्वेशन को जब भी हमें कोई जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे पुट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. पी एक्स की वैल्यू हमें दी है 2x+1 इज इक्वल टू जीरो. हम इसे ऐसे पुट करेंगे, पी एक्स की वैल्यू रख देंगे जीरो, और जो पी एक्स की वैल्यू वैसे दी हुई है उसको पी एक्स की जगह रख देंगे. और पी एक्स को किसके इक्वल में रखेंगे, जीरो के, कि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है. कि मीन्स अब दूसरी साइड क्या रखें, देखो अब इसका आंसर निकालने को कह रहे हैं 2x+1 का, तो दूसरी साइड कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने जीरो रख दिया. अब कुछ तो रखना है तो इसलिए उन्होंने रख दिया जीरो, इसलिए इसका टर्म नाम पड़ गया है जीरो पॉलिनॉमियल. तो अगर मैं यहाँ पे जीरो है आप समझो, तो अगर 2x यही रहेगा तो ये हो जाएगा 1, यहाँ प्लस में है वहाँ जाएगा माइनस में, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1. ठीक है, अब बचा x माइनस 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2. तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या आ गया, मीन्स हमें जीरो पॉलिनॉमियल फाइंड करना था. तो आर आंसर इज वॉट, सो माइनस 1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स. अब आप कहोगे जीरो क्यों कहा है, आंसर तो जीरो नहीं है, बस उसको नाम दिए. अब आप ये जीरो जीरो वाला ना सोचो, जो मैथ्स में जीरो आते हैं 10 में से, वो नहीं सोचना हमें. हमें वो सोचना है कि बस इसको एक नाम दे दिया है जीरो. लाइक आपका नेम, लाइक आप सपोज करो आपका नेम राघव है, तो आपका नाम राघव है. अब राघव आपके मैथ्स में कोई इक्वेशन भी होती है, तो आप वो सोचोगे, अपना नेम सोचोगे, अपना नेम सोचोगे ना. आपका नेम पॉलिनॉमियल है तो आपका नेम पॉलिनॉमियल सोचोगे, मैथ्स की इक्वेशन सोचोगे, राइट ना. तो इसी तरह ये हमारा जीरो, इसको नेम दे दिया कि हमें पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो तो क्या करेंगे, बस उसके जीरो के आगे पुट कर देंगे, फिर वहाँ जीरो पुट करके और फिर उसको निकाल लेंगे. बस जीरो पुट करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. आपको इससे पहले की अगर लिंक्स चाहिए जिसमें सारा कंसेप्ट हो चुका है ऑलरेडी पॉलिनॉमियल्स का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो. अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.